حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المقسومين أقلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وقهر أرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي وخوفهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزي الذين صبروا بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بر محمد وآل محمد. مؤمنین کرام اور مؤمنات ذوی الاحترام، یہ سالانہ مجالس کا روح پرور ماحول اور یہ قدیمی سلسلہ رسم ادائے مودت قربا کسی خطیب اور ذاکر اور عالم کے تعارف کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی بتائے کہ یہ کون سی بابرکت بارگاہ. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس بارگاہ سے خود علماء اور ذاکرین کا تعارف ہوتا چلا آ رہا ہے. ایک صدی سے زیادہ وقت گزر گیا کہ علماء اعلام اور خطباء بزرگ یہاں سے پہچانے گئے، کیونکہ عقیدتوں کا اور تبلیغ دین اور تحریک دینداری کا یہ مرکز وہ بحر ناپیدا کنار ہے، یہ وہ سمندر ہے
कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की छोटी छोटी नहरें जिस बहरे ज़खार में सालाना आकर जम होकर तोहफ़े एतबार हासिल करती हैं, ये वो समंदर है। लिहाजा मुझे यहाँ का तारुफ नहीं कराना है। ये बात और है कि जो हजरात तशरीफ लाए हैं मोमिनीन, उनका तारुफ भी उनके ज़ौक़ का, उनके जज्बे मवद्दत का यहाँ आके और फर्श अज़ा पे होता है, और मेंबर पे बैठे हुए खतीब और ज़ाकिर का तारुफ भी होता है कि कौन कितनी गहराई में उतरा है और कौन कितना पिए हुए है जामे विलायत अली। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाल। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज और करीब के इलाकों से आए हुए मोमिनीन, सलाम है आपके जज्बे मोहब्बत और मवद्दत को कि बिला तफरीक़े मौसम व फसल व बहार, बिला तफरीक़े बहार व खिज़ां, बिला तफरीक़े सर्दी व गर्मी, जोश और वलवले में कोई कमी नहीं होती मोमिनीन की। चाहे तूफ़ान भी आ जाए, और आते हैं तूफ़ान कभी कभी, वो शायद आपकी आजमाइश के लिए आते हैं, मगर तूफ़ान आके सलामी दे के हट जाते हैं। इसलिए कि जब आपके पाए सबात में लफ्जिश नहीं होती है तो फिर तूफ़ान भी आपको सलाम करते हैं। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। खुदाबंदे आलम राज़े बका बता रहा है
फरमा रहा है कि जो तुम तक है, तुम तक महदूद है, जो तुमसे जुड़ा है, फकत तुमसे, वो खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। वमा इंदल्लाह बा, जो अल्लाह के नज़दीक है, जो अल्लाह के पास है, वो बाकी रहने वाला है। यानी राज़े बका ये है कि अगर बाकी रहना चाहते हो या किसी भी चीज़ को बाकी रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने तक उसे महदूद नहीं रखना है, बल्कि उसे अल्लाह से जोड़ दो, अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह की खातिर वो काम करो, तो वो अमल, वो शय, वो चीज़ अल्लाह के हत्ता के तुम भी बाकी रह जाओगे। इसलिए कि कोई शय भी जो है वो काबिले बका नहीं है अगर अल्लाह से अलग हो जाए। जाहिर है कि हमारा यह एक कतरा वजूद है, अगर हम अपने वजूद को अल्लाह और अल्लाह की राह से अलग और खासाने खुदा से मुस्तगनी और मुस्तकिल होकर अलग रखेंगे, और अगर हम नशे खुददारी में रहे, तो जाहिर है कि यह कतरा वजूद संगलाख चट्टानों पर गिरेगा तो अपने वजूद को खो देगा, कभी तमाजत आफ्ताब में भाप बन के उड़ जाएगा। यह कतरा नाचीज अलग अगर अलग रहेगा तो फौरन फना हो जाएगा, और अगर इस कतरा नाचीज को हमने बहरे वजूद खुदा, बहरे आजमत खुदा, बहरे इरफान खुदा में जम कर दिया, कतरा उस दरिया में मिला दिया, तो जाहिर है कि यह कतरा उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक वजूद दरिया रहेगा। इसलिए कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। भाई यही सबब है कि राज़े बका ये है कि अपने को अल्लाह से जोड़ दिया जाए, इसलिए कि जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। अब जो इंदल्ला है मा इंदल्ला है बा, अब अल्लाह अपने दीन के बारे में बता रहा है कि इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। भाई तवज्जो है कि नहीं है, यानी दीन अल्लाह के नज़दीक जो है वो इस्लाम है। इसका मतलब ये है कि दीन हक, दीन खुदा, इस्लाम के अलावा कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है, बेदार है कि नहीं है। और इसी को उस आयत में इशारा किया कि जिसको मैंने खुतबे में पढ़ा कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, वो अल्लाह है कि जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि दीन नाम की जितनी भी चीज़ें हैं वो दीन हक उन पर गालिब आ जाए, यानी उन पर गालिब आ जाए ऐसा कि दीन नाम की कोई चीज़ बाकी ही न रहे, फकत दीन हक इस्लाम बाकी रहे। तवज्जो हाथ का तालिब हूं। अब एक इल्मी नुक्ता है यहां पे अर्ज कर दूं कि इस्लाम के लिए अल्लाह फरमा रहा है जो चीज मेरे पास है अल्लाह के पास वो बाकी। दीन इस्लाम को कह रहा है इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, फकत अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम है। इसका मतलब यह है कि दीन इस्लाम को बाकी रहना है और कोई दीन नहीं रह जाएगा। अब इस आयत में अल्लाह जो फरमा रहा है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वदीनिल हक, वो अल्लाह है कि जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ताकि दीन नाम की जितनी भी चीज़ें, जितने इज्म, जितने मकातिबे फिक्र, जितने स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, यानी जो भी अपने को दीन और वे ऑफ लाइफ हो, धर्म वगैरह वगैरह के नाम से याद करते हैं, उन सब पर इस्लाम का इजहार हो जाए। तवज्जो, मगर ज़बान अरबी में इजहार का मतलब क्या है इसे मुलाहजा फरमाए। भाई एक है अरबी में लफ्ज़ गलबा, एक है लफ्ज़ इजहार। गलबे का मतलब यह है कि दो मुतकाबिल कुवतें जब मुतसादिम हो, टकराएं, मुकाबला हो, तो जाहिर है कि एक फातेह होगा, एक मफ्तू होगा, एक गालिब होगा, एक मगलूब होगा। गालिब गालिब कहलाएगा, मगलूब मगलूब कहलाएगा, हार जाने वाला मगलूब होगा, और मगलूब जो है वो हार जाएगा। बहुत खास तवज्जो इधर आप देखें, जो मोहतरम मेहमान तशरीफ ला रहे हैं वो अपनी नशिस्तगाहें पहचानते हैं, आप इधर सलीके से मेरी बात को सुन ले कि लफ्ज़ गलबा का मतलब यह हुआ कि दो मुकाबिल चीज़ों में एक जीते एक हारे, गालिब एक मगलूब। मगर गलबा में वजूद मगलूब खत्म नहीं होता, कल अदम नहीं होता, मिटता नहीं है,
मगर इजहार ज़बान अरबी में उस लफ्ज़ को कहते हैं कि जिसमें दब मुकाबला हो रहे गालिब आए मगलूब हो मगर वजूद मगलूब कल अदम हो जाए खत्म हो जाए फना हो जाए मिट जाए। इस हाल में वजूद मगलूब नहीं खत्म होता, गलबे में वजूद मगलूब नहीं खत्म होता। इस हाल में मगलूब और मफतूह का डिफीटेड जो हो उसका वजूद खत्म हो जाता है, यानी उसके खाकिस्तर वजूद में जरा सी भी चिंगारी हयात की रमक नहीं होती। इसे इजहार कहते हैं। भाई तवज्जो, गलबा इसे कहते हैं कि हार के भी उसके वजूद के भूबल में बगावत के शरम और चिंगारियां वापस बाकी रहे। अब याद रहे कि वादा अल्लाह ने किया है मोहम्मद से, सैयदुल अंबिया से, इजहार इस्लाम का, गलबे का नहीं। तवज्जो है कि नहीं है? मगर हमने पैगंबर की जिंदगी उसके बाद से लेकर आज तक, हमें इंसाफ से बताइए कि गलबा इस्लाम तो नजर आया मगर इजहार इस्लाम नहीं नजर आया। इस्लाम के मुकाबले आने वाले हार तो गए मगर ऐसा नहीं हुआ कि उनका वजूद खत्म हो गया हो। इस्लाम की पहली जंग है जंगे बद्र। जंगे बद्र में आपने देखा गलबा इस्लाम हुआ। मुशरकीन मक्का, तवज्जो, लश्कर अबू सुफियान, बद्र का मुकाबला, इस्लाम गालिब वो मगलूब, मगर वजूद मगलूब कल आदम नहीं हुआ, वैनिश नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, फना नहीं हुआ। खाकिस्तर वजूद में उसके बगावत के शोले चिंगारियां थी, तभी तो जब हवा साजगार हुई और फिर से अपनी सलाहियतों को जमा करके बद्र के बाद मैदान ओहद में फिर से मुकाबला आ गया। एक सलावात है पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मिलजुल के बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो का तालिब हूं माशाल्लाह, अहले इल्म भी है, उलमा, ज़ाकिरीन, शुआरा, मोमिनीन, बुजुर्ग। अब अल्लाह जो है वो इजहार इस्लाम का वादा कर रहा है, गलबे का नहीं। गलबा हुआ मगर मगलूब फिर से तैयार होके आ गया। इस आयत में अल्लाह कह रहा है कि ऐसा गलबा होगा जो यानी इजहार के वजूद किसी दीन का बाकी ना रहेगा सिवाय इस्लाम के। अब सवाल यह है कि अल्लाह तो वादे के खिलाफ नहीं करता। यह वादा जो मोहम्मद से हुआ यह अल्लाह ने कब पूरा किया? और अगर आज तक पूरा ना हुआ तो या ये मान लो कि अल्लाह ने गलत वादा किया माशाल्लाह, मगर हमारा अल्लाह तो आजिज नहीं है दुनिया के बादशाहों की तरह। इसका मतलब यह है कि एक वक्त वो आने वाला है कि मोहम्मद, पहले मोहम्मद से वादा किया था अल्लाह ने और आखिरी मोहम्मद के हाथ में वफा करेगा। एक सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलजुल के पूरा मजमा एक सलावात से नवाजे। तवज्जो हाथ का तालिब हूं, याद रहे बहुत अहम मसाइल है, जल्दी जल्दी मुझे अर्ज करना है, मगर आपकी तवज्जो हाथ। हर शय के दो मराहिल होते हैं, एक है उसका मरहला वजूद, एक है उसका मरहला बका। मरहला वजूद यह है कि वो कब वजूद में आया, कैसे वजूद में आया, कैसे एग्जिस्टेंस हुआ उसका, क्यों कर हुआ, किन हालात में हुआ, कब हुआ, किसके जरिए हुआ, ये है मरहला वजूद। तवज्जो। एक है अगला मरहला कि वजूद में कोई चीज आ तो गई मगर ये बाकी रहेगी कि नहीं, रहेगी तो कितना रहेगी, कैसे रहेगी, किन हालात में बाकी रहेगी या मर जाएगी। तवज्जो है कि नहीं है? अब अगला जुमला सुने।
वजूद में लाना मुश्किल है, मगर इतना मुश्किल नहीं है जितना वजूद में ला के बाकी रखना। ये तमहीदी चंद कलमात अगर आपके लौहे ज़हन पे नक्श हो गए तो इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू नतीजा खेज होगी। हर शय के दो मराहिल, एक मरहला है वजूद, एक उसका मरहला है बका। वजूद में लाना मुश्किल होता है मगर निस्बतन आसान, उसे बाकी रखना ज्यादा मुश्किल होता है। वजूद में ले आना मुश्किल मगर थोड़ा आसान, उस शय को बाकी रखना बहुत मुश्किल है। अरे आप यही दरगाह में बैठे हुए हैं, ये तो एक सदी से ज्यादा हो गया और माहौल बन गया, और हिंदुस्तान क्या इस कुरए अर्ज पे इस नजफ हिंद जो कि पूरा की सालाना मजालिस का इस्तकबाल और इंतजार, यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट जो लिंक है इंटरनेट के, फोन के ऊपर सारी दुनिया इन प्रोग्राम को सुनती है। लेकिन आज जब सजा सजाया एक बना बनाया माहौल मीरास के तौर पर मिल गया, बहरहाल इसको रखना जो है आगे बढ़ाना मुश्किल है। मगर आप सोचें कि वजूद में जो लोग पहले पहल इस प्रोग्राम को वजूद में, जो हमारे बुजुर्गों, जो बुजुर्ग अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए उनको बेहतरीन सलाह जवाब अहले बैत में दे, जरा उनके शाने हिला के पूछिए कि वजूद में लाना कितना मुश्किल था। बड़ा अजीब माहौल होता है कि राय हो रही है, मशवरा हो रहा है, कोई मुआफ़त कर रहा है, कोई मुखालफत कर रहा है, एक सालाना अंजुम के प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, कोई हिमायत का वादा कर रहा है मगर पलट जाता है, कोई पहले ही से साजिशें कर रहा है कि अगर इसके जरिए वजूद में आ गई तो इसका नाम हो जाएगा। भाई तवज्जो है कि नहीं है, यानी हर तरफ से माहौल, कोई फंडिंग का वादा कर रहा है मगर नहीं दे रहा है, कोई लोगों को मना कर रहा है कि पैसे न देना ये खा जाते हैं। अरे बड़ा कलेजा चाहिए वजूद में लाने के लिए। मेरा मजमा मेरे साथ है कि नहीं है? आसान नहीं है। कोई इज़्म हो, कोई स्कूल हो, कोई मॉन्टेसरी हो, कोई मदरसा हो, कोई हौजा हो, कोई हौजा इल्मिया हो, कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई अंजुमन हो मातमी, कोई अंजुमन हो सालाना मजालिस के प्रोग्राम की, कोई इदारा हो, कोई तंजीम हो, याद रहे वजूद में लाना ही बहुत मुश्किल है। अरे छोटे मोटे नबियों वाला कलेजा चाहिए कौमी खिदमत करने के लिए। बात पहुंच रही है? कितनी शमातत आदा है, कितना नुकसान माया है, कितनी साजिशें हैं, कितने इल्जामात के फनकारे हुए नाग बैठे हुए हैं, और अक्सर मुखलिसीन ही पे इल्जाम लगते हुए देखा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बहुत खास तवज्जो। तो वजूद में लाना बहुत मुश्किल। इधर भाई बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक सलावात पढ़े जहां चाहे बैठ जाए, माशाल्लाह सवापी की जगह है, बुलंद आवाज से सलावात पढ़े, मिलजुल के सब एक साथ सलावात पढ़े। मुझे बहुत ज्यादा तमहीद में उलझाना नहीं है भाई, यही चंद कलमात है, उसके बाद मोटी मोटी बातें अहम कि वजूद में लाना आसान नहीं है। तवज्जो, बेदार रहिएगा। एक इदारे को, एक अंजुमन को वजूद में लाना आसान नहीं है, मगर अगर आ भी गया एक बार वजूद में तो अब इस अंजुमन, इस मिशन को बाकी रखना उससे ज्यादा मुश्किल है। बुजुर्गों जिन्होंने इस प्रोग्राम की बुनियादें रखी होंगी, वो आज इन नौजवानों बुजुर्गों को दुआएं दे रहे होंगे कि उन्होंने सोचा भी ना था कि एक सदी आगे ये खुलूस का सफर हमारा आगे बढ़ते हुए ज़ुहूरे हुज्जत उसके जमाने से करीब चला जाएगा। आसान नहीं है भाई तवज्जो, वजूद में लाना मुश्किल है मगर बाकी रखना उससे ज्यादा मुश्किल। ये इदारों की बात कर रहा था, तंजीमों की, मदरसों की, कॉलेज की नहीं। खुद आप अपने वजूद पे जरा गौर करें, एक इंसान का वजूद में आकर पैदा होना कितना मुश्किल है। इसका एहसास उन्हें नहीं होगा जहां अल्लाह खुदा ए फैयाज़ व खालिक जिन्हें हर साल एक औलाद दे रहा है। अरे औलाद के वजूद में लाने की मुश्किल मराहिल
ये उन वालिदैन के कलेजे से पूछिए कि 20-20 साल हो गए शादी को और कोई जतन बाकी नहीं है मगर औलाद नहीं। डॉक्टर के यहाँ दौड़ लग रही है, आसानी से पैदा हो जाता है ना, तो हमें कद्र नहीं है। अभी मरहला है वजूद की बात है, आसानी से बच्चा पैदा हो जाता है तो हमें एहसास नहीं है। ये उनके कलेजे से पूछिएगा डॉक्टरों के यहाँ, हकीमों के यहाँ, आमिलों के यहाँ, मौली साहब के यहाँ, झाड़ फूंक गंडे वगैरह वगैरह रद्द सहर कर रहे हैं, जादू का रब कर रहे हैं, नजरों नियाजों मन्नतों मुरादे यहाँ से लेकर बाबे मदीनतुल इल्म तक, यहाँ से लेके शहीद आजम करबला तक, मगर नहीं है अगर कजा व कदर इलाही में मुकद्दर में किस्मत में और न मिले। डॉक्टर हकीम कह रहे हैं मेडिकली फिट, दोनों पार्टनर में कोई कमी नहीं फिजिकली मेडिकली। डॉक्टर भी कह रहे हैं ईश्वर की महिमा है जब उधर से हुक्म हो जाए, अल्लाह की मशीयत है, इंतजार कीजिए, मायूस न होइए। भाई आपने देखा कि वजूद में लाना कितना मुश्किल है, मगर याद रहे कि वजूद में आ भी गया तो इससे ज्यादा मुश्किल है इस बच्चे को बाकी रखना, जिंदा रखना। एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, भैया थोड़ा सा खाली। बहुत खास तवज्जो। तो हमारे वजूद के भी दो मराहिल, एक इंसान का मरहला है वजूद, एक इंसान का मरहला है बका। वजूद में कैसे आया, क्या हुआ ये मरहला है वजूद, मरहला है बका के पैदा तो हो गया, ये बाकी कैसे रहेगा आखिरी मजमे तक। याद रहे इंसान के वजूद के मरहले में तो अल्लाह ने माँ और बाप दोनों को बराबर का जिम्मेदार बनाया, मगर मरहला बका में बाप को नहीं बल्कि माँ को जिम्मेदार बनाया। बाप अपना फरीज़े ज़ौजियत इस्तेमरारे नस्ले आदम की जमानत के तौर पर वो अपना फरीज़े शौहरी खलवतों में चंद लम्हात में अदा करके कतरे नाचीज़ो बेमाया के जो वजूद इंसानी का पहला जीना है वो बतन मादर रहम मादर में अमानतदार जगह के हवाले करके फिर वो चला गया। अब इसके आगे वो राजदार नहीं है कि वो कतरे नाचीज किन किन मराहिल से गुजर रहा है, मगर बतन मादर में उस कतरे नाचीज के वजूद की दाखिली मराहिल मंजिल कमाल तक आने की फकत या खालिक राजदार है या मादर जनीन राजदार है, यानी मशीयत ही तो बता रही है कि लकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, फिर हमने इस मिट्टी के जौहर नुतफे को एक अमानतदार जगह पे रख दिया, فخلقنا النطفة علقة, फिर हमने इस कतरे नाचीज को खून के थक्के में खल्क कर दिया। लेकिन वजूद के इंटरनल स्टेजेस दाखिली मराहिल, फखलकनल अलकता मुज़गतन, फिर हमने जमे हुए खून के थक्के को गोश के लोथड़े में बदल दिया, फखलकनल मुज़गता इज़ामन, फिर हमने गोश के लोथड़े में हड्डियों के बारीक बारीक जाल बिछा दिए, फकसौनल इज़ामा लहमा, फिर हमने हड्डियों के ऊपर गोश की दबीज चादरें चढ़ा दी ताकि मजबूत रहे, सुम्मा फिर कुछ ठहर कर अनशअना हो खलकन आखर, फिर हमने इसे दूसरी खिलकत में डाल दिया यानी रूह इंसानी डाल दी। देखिए फकत फकत खालिक राजदार है बतने मादर में कैफियत इंसान से,
या वो नब्बाज़े फितरत माँ, वो महरमे मशीयत माँ के जो अपने बतन में, अरे उस छोटे से वजूद के बारे में इतना जानती है कि कब हरकत में है, कब नहीं है, कब मूवमेंट रुक गया, कब चल रहा है, कब दाहिने हरकत की है, कब बाएं, कब ऊपर चढ़ रहा है, कब नीचे की तरफ आ रहा है, कब ये बाहर आना चाहता है, कब कब ये कबलस वक्त किसी कमी की वजह से करीब है कि बाहर आए मगर बाकी न रह सकेगा। लिहाजा वो न जाने किस तरह से उसे अपने कुव्वत इरादी से रोके रहती है। माए और बहने इसे ज्यादा महसूस करेंगी। तवज्जो, बतने मादर में है तो महरम मशीयत रास्तारे जनीन माँ आगोश में जो बाहर आया तो यही वो नब्बाज़े फितरत है। बाप को महरम फितरत तिफल नहीं बनाया, बच्चे की फितरत और जरूरतों का राजदार माँ को बनाया, क्योंकि ये जो है वह जिम्मेदार बका है। बाप नहीं जानता कि बच्चा क्यों रो रहा है, मगर यह ऐसी महरम फितरत है, यह ऐसी नब्बा से फितरत है, यह ऐसी राजदार मशीयत है कि लहने गिरिया से जान जाती है, रोने के टोन से जान जाती है कि अजियत में बच्चा रो रहा है, या भूख में बच्चा रो रहा है, या बिस्तर गीला हो गया है, कपड़े बदलना चाहता है। यानी वो ऐसी राजदार मशीयत है कि लहने गिरिया से पहचान लेती है कि जरूरत तिफल क्या है। बाप नहीं कर सकता। अगर ये राजदार बका ना हो तो बच्चा पेट में ठहरे ही नहीं, ठहरेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं, बल्कि पैदा हो गया तो भी ये हाल है कि जिंदा नहीं रह सकता। जब तक कि ये रहमत परवरदिगार का परतव ना हो, ये मजहर रुबूबियत ना हो जो राजदार बका है, अरे कहां से इंसान खुद से बाकी रहेगा। जब तुम माँ की आगोश में आया तो इतना नादान था, इतना लाइल था, इतना इनोसेंट था कि तुझे मालूम भी नहीं था कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, मकसद सफर क्या है, मबदा सफर क्या है, मकसद सफर क्या है, मबदा सफर क्या है, रिस्क कहाँ है। राजिक तो है मगर रिस्क कहाँ है। तेरा मकसद रिस्क तुझसे बहुत करीब था, मगर तू लबों को हिला के रोके एहसास भूख का पैगाम तो दे सकता था, मगर तुझे इतना सलीका न था कि अल्लाह ने मेरा रिस्क बहुत करीब भेजा है। वो तो महरम फितरत अगर ममता से अपने सीने से दबोच न ले तो तुझे ये भी ना मालूम हो कि तेरा रिस्क तेरे बहुत करीब है। पढ़ते एक सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो हाथ का तालिम, ये तबलीगी मराहिल थे मेरे कुछ कि हक पहचाने वाले थे इनका। तवज्जो, बाप जो है वो जिम्मेदार वजूद है माँ के साथ, मगर मरहला बका माँ के हवाले, क्योंकि खालिक कह रहा है वो अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, तुमको तुम्हारे माँ के पेट से इस हालत में निकाला कि ला तअलमून शैया, तुम बिल्कुल लाइल्म थे, कुछ नहीं जानते थे, एब्सोल्यूट इनोसेंट थे, नादान। मां के पेट से नादान पैदा हुआ मगर आया है बाकी रहने के लिए। भाई तवज्जो है कि नहीं है। अब अगर अल्लाह इंतजाम वजूद करे और इंतजाम बका ना करे तो यह बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। भाई मेरे साथ है कि नहीं है। बस अब इसके आगे नहीं ले जाना है। तवज्जो, ये मरहला वजूद बका आपने समझ लिया। जो शेर वजूद में आए उसका इंतजाम बका हो वरना मर जाए। अल्लाह कह रहा है जो मेरे पास वो बाकी। इस्लाम को कह रहा है मिंदल्लाह, ये रहेगा बाकी। अब संभाले मोमिनीन, इसीलिए इस्लाम के भी दो मराहिल हैं। एक है इस्लाम का मरहला है वजूद, कब वजूद में आया, कैसे आया। एक है
السلام کا مرحلہ بقا کہ آیا تو کیسے باقی رہے گا؟ بھائی سنبھال لے اگلے جملے کے لیے، اس کے آگے نہیں بلکہ یہی ٹھہرنا ہے۔ ایک ہے اسلام کا مرحلہ وجود، کب آیا کیسے آیا دین خدا، ایک ہے اسلام کا مرحلہ بقا کہ آیا تو باقی کیسے رہے گا، کن وسیلوں سے، کن کے ذریعے۔ اب یہ جملہ سنبھال لے میرا، توجہ۔ نبوت ہے اسلام کا مرحلہ وجود۔ بس ساری محنت اسی جملے کے لیے ہے، نبوت ہے اسلام کا مرحلہ وجود اور امامت ہے اسلام کا مرحلہ بقا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ پیغام پہنچ گیا آپ تک۔ اب اس کے آگے مجھے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی ہے، میں نے آپ نے جتنی محنت مجھ سے لینی تھی لے لی۔ بات اس اہم موڑ تک آ گئی، ہر شے کا ایک مرحلہ وجود، ایک مرحلہ بقا، جو اللہ کے پاس وہ باقی رہے گا۔ دین اسلام عند اللہ، اللہ کے پاس دین خدا سمٹ جائے یہ رہے گا، تو رہا تو کیسے رہا؟ انتظام وجود کیا جائے، انتظام بقا نہ کیا جائے؟ ارے نبوت ہے اسلام کا مرحلہ وجود، امامت ہے اسلام کا مرحلہ بقا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور فرما رہے ہیں آپ؟ نہیں، اب اس کو ذرا ایک جملے میں یوں سنیں۔ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کر، تبلیغ کر کے، پھیلا کے، پہنچا کر، امت کے بیچ چھوڑ کر چلا جانا۔ میں خطابت کے جملے نہیں بول رہا ہوں، یہ سب مدلل ہے، سب قرآنی آیات کا نچوڑ۔ پھر سے سنیں بچے، توجہ، جو بیچ میں بیٹھ کے بھی ادھر نہیں دیکھ رہے ان کی توجہ۔ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کر، پہنچا کر، پھیلا کر، تبلیغ کر کے، پریکٹیکل دکھا کر، عمل کر کے، رفتار و کردار و گفتار سے بول کر، سنا کر، عمل کر کے، دیکھا کر، توجہ، چھوڑ کر امت کے بیچ میں چلا جانا۔ بھائی حدیث ثقلین میں یہی تو پیغمبر نے فرمایا، اور یاد رہے چلتے چلاتے حجت الوداع کے بعد میدان غدیر میں، خطبہ غدیر میں، چلتے چلاتے حدیث غدیر سے بھی پہلے حدیث ثقلین کو کئی بار کہہ چکے تھے، مگر چلتے چلاتے اس لیے کہا کہ اب یہی سب سے اہم موقع ہے جھنجھوڑنے کا۔ توجہ توجہ توجہ، کیا پیغمبر نے کہا چلتے چلاتے؟ حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں نے دلیل دی ہے اپنے جملے کی، ترک، چھوڑنا، مرنے والا جو چھوڑتا ہے اسے کہا جاتا ہے ترکا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے بیچ کتاب اللہ و عطرتی، ایک خاموش قرآن اور ایک بولتا ہوا قرآن میری عطرت اہل بیت۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کے مطابق، پھر سے سنیں، نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کر، پھیلا کر، تبلیغ کر کے، وجود کو کامل کر کے، چھوڑ کر چلا جانا۔
यहां से मैदान महशर तक ले जाना। हाय हाय हाय, अब इससे हम जुमला नहीं हो सकता। क्या सुन रहे हैं अहले साहब? नबी का काम है दीन खुदा को ला के पहुंचा के छोड़कर चला जाना। इमाम का काम है दीन खुदा को बचाकर बिदअतों से, गुमराहियों से, एलेजाज से, रिफ्रैक्शन से, डाइवर्जन से, गुमराहियों से, किसी को जाने ना दे, दीन की शक्ल बिगड़ने ना दे। अरे हर कीमत पर दीन बचाए और प्योर दीन यहां से बचाकर इमाम का काम है कयामत तक दीन खुदा को ले जाना। यही सबब है कि कयामत में हश्र और नश्र नबी के साथ नहीं होगा बल्कि इमाम के साथ होगा। सलावात से नवाज दे। बस चंद मिनट की, माशाल्लाह। बच्चों जहन में लोहे जहन पर लिख लो, इस्लाम का मरहला वजूद व बका, फर्क नबूवत और इमामत, दोनों का जॉब, दोनों की कुरान में जो जिम्मेदारियां, दोनों मनसब की जिस जिस लिमिट में जितनी अहमियत है उसे समझे। नबूवत है इस्लाम का मरहला वजूद, इमामत है इस्लाम का मरहला बका। नबी का काम है दीन खुदा को ला के पहुंचा के फैला के मुकम्मल करके छोड़ कर चला जाना। इमाम का काम है दीन खुदा की हिफाजत करके हर कीमत पर, चाहे गला कटे बर्बाद हो जाए, दीन खुदा को बचा के कयामत तक ले जाना। इसीलिए कुरान कह रहा है यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम। ऐ मोहम्मद वो वक्त याद कीजिए जब हम तमाम इंसान को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। हश्र और नश्र इमाम के साथ होना है क्योंकि ये है बकाए दीन का जिम्मेदार। बेदार है कि नहीं है? नहीं सुने। मरहला वजूद मुश्किल है मगर नस्बतन आसान, मरहला बका बहुत दुश्वार है। यही सबब है कि आलम असबाब और जाहिर में जिस दीन हक, दीन खुदा, दीन इस्लाम की बज़ाहिर बुनियाद आदम ने रखी, जो मरहले वजूद का पहला जिम्मेदार, और ये आगे बढ़ता रहा सिलसिला इस्लाम के वजूद के जो इंटरनल मराहिल हैं, स्टेजेस हैं। अभी जाहिर है कि धीरे धीरे वजूद मंजिले कमाल तक आएगा, और हर नबी को ये फिक्र रही, वो टेंस रहा, वो कॉन्शियस रहा, वो फिक्रमंद रहा कि जो हम कर रहे हैं काम, वजूद का मरहला आगे बढ़ा के ऐसी अमानतदार वारिसों के हवाले करें कि ये दीन जाया ना हो बल्कि आगे बढ़ता रहे। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना है वादे के साथ। इसीलिए जाने ना पाए, हाबील को काबील ने कत्ल कर दिया, अल्लाह से वारिस मांगा, अल्लाह ने शीश दिया जिनका नाम ही हेबतुल्लाह, यानी अल्लाह का गिफ्ट, अल्लाह का तोहफा। वसीयत आगे बढ़ी, पिछला नबी जाए ना अगले को अपॉइंट करे, या नबी या रसूल या वसी, ताकि मरहले वजूद आगे बढ़े, ठप ना हो जाए, वजूद के अंदर के मरहले तय करके वजूद मुकम्मल हो जाए। हर नबी की नजर है इस्लाम के वजूद को मंजिले आखिर तक पहुंचाने पर। हर नबी इसीलिए आखिरी नबी का
इंतजार भी कर रहा है और बशारत भी दे रहा है ताकि वजूद मुकम्मल हो जाए। ये वो सलावात नहीं है जो जोगी पूरे के मजमे की पहचान है। एक और मिलजुल के सारा मजमा सलावात पढ़ गया, यहाँ कौन रोक रहा है आपको? लिल्ला तवज्जो तवज्जो, हर नबी आगे बढ़ा रहा है, वसीयत इस्लाम कर रहा है, कुरान उनकी दुआओं को नकल कर रहा है। وإذ حضر يعقوب الموت قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووقيات करो मोहम्मद, ऐ मरहले वजूद के सबसे बड़े और आखिरी जिम्मेदार, वो वकियात करो कि पिछले नबियों को कितनी फिक्र रही थी तुम तक इसे पहुँचाने में कि जब याकूब का वक्त मौत करीब आया तो उन्होंने अपनी औलाद और बेटों को जमा किया और कहा है मेरे बेटो अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक दीन फरमाया है तो फिर न मरना बगैर इसके के इस्लाम पर। तवज्जो, आगे बढ़ रही है दुआएं। ज़करिया जो है वो हालत पीरी में के जब सलाहियत औलाद भी नहीं है और कह भी यही रहे हैं खुदावंदे आलम से, रब्बे इन्नी कद वहनल अज़्मु मिन्नी वस्तअला रअसु शैबा रब्बे वकानत इमराती आखिरा, ऐ मेरे परवरदगार मेरी हड्डियां वो सीधा हो गई, पीरे को हंसाल हो गया, सर पे बुढ़ापे के आसार सफेदी दौड़ गई और मेरी बीवी जो बांझ है सलाहियत नहीं है कि औलाद पैदा करे मगर फिर भी तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। रब्बे हबली मिन लदुनके वलिया, दे दे अपने पास से एक वली। भाई तवज्जो है कि नहीं है? भाई हर नबी जो है वो मांग रहा है, यहया दिए गए बुढ़ापे के हालत में, यहया दिए गए, दीन आगे बढ़ा। तवज्जो तवज्जो, अब ये जुमला सुने, हर नबी मरहले वजूद को आखिर तक पहुंचाना चाह रहा है, ये उनकी दुआओं में तड़प है, मगर एक रसूल ऐसा है कि जिसकी दुआ में हमें वजूद की फिक्र भी नजर आई और बका की फिक्र भी नजर आई। नहीं नहीं, जाहिर है अभी दाद का मौका नहीं क्योंकि मैं अभी तशरीह मैंने की नहीं है। वो नबी कौन है? वो अजमतों का समंदर, वो खलील खुदा, वो इब्राहिम, वो शेखुल अंबिया, वो पेदर अंबिया, वो नबियों का बाप, अजमतों का वो बहरे ना पैदा करार के सारी सारे आसमानी अधियान, सारे रिलीजन्स जिससे अपने को जोड़कर एतबार हासिल करें, रिकग्निशन हासिल करें, सनद हासिल करें। यहूदियत हो तो इस्लाम अपना मर अपना शजरा इल्मी इब्राहिम से जोड़े, ईसाइयत हो तो अपना शजरा इल्मी और दीनी इब्राहिम से जोड़े, मुसलमान और इस्लाम हो तो वह अपने दीन को इस्लाम से जोड़े। एक जुमला और संभाले, आपका मुताले को मैं इस्तेमाल करूं, बहुत से नबियों का कुरान में जिक्र है, तवज्जो, मगर जहां जहां तवज्जो इस्लाम का जिक्र आया अक्सर वहां इब्राहिम का जिक्र आया, जहां इब्राहिम का जिक्र आया वहां इस्लाम का साथ में जिक्र आया। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्मा कुमुल मुस्लिमीन, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम के तौर तरीके हैं, उन्हीं ने तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा। बेदार रहिए, तवज्जो, हर नबी की दुआ लहजे में तड़प, मरहले वजूद के लिए कॉन्शस है कि वजूद पूरा हो जाए, मेरी मेहनत सुवारत हो जाए, इस्लाम आखिरी मरहले वजूद तक पहुंच जाए, सबकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाए, आखिरी नबी आके संभाल ले, मेहनत सुवारत हो जाए, मगर एक रसूल इब्राहिम ऐसा है कि जो वजूद के बारे में भी कॉन्शियस नजर आया, बका के बारे में भी कॉन्शियस नजर आया। दोनों दुआएं कुरान में है, आपका मुतालिया कुरान की तलावत, मरहला वजूद की जिम्मेदारी सोने, उसकी फिक्र क्या है? अल्लाह कुरान में नकल कर रहा है अपने हबीब मोहम्मद को मुखातिब करके, व इज़रफ़ इब्राहिम القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم। ऐ मेरे हसू रसूल, ऐ मरहला वजूद के आखिरी और सबसे बड़े जिम्मेदार, वो वक्त याद कीजिए सूरह बकरा
कि जब इब्राहिम और इस्माइल मेरे घर की दीवारें बुलंद कर रहे थे और ज़बाने दिल से खुलूस से यह दुआ कर रहे थे कि ऐ पालने वाले हमारी मेहनतें कबूल फरमा ले, यह सुवारत हो जाए सहमतें, आगे दुआ बढ़ी तवज्जो वजूद का, वजूद के जिम्मेदार, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ पालने वाले हमें और इस्माइल को अपना मुस्लिम तस्लीम कर ले। भाई अहले नजर तवज्जो, अब मुझे शिकवा होगा अहले नजर से अगर बात मेरी जो है वो सुवारत ना हुई। आगे दुआ बढ़ी, खाने काबा की दीवारें, अल्लाह का घर, मुस्तकबिल में कितने ख्वाब आए परेशान चश्मे खलील और ज़बी में हैं, ऐ परवरदगारा कबूल फरमा ले हमें और इस्माइल को अपना मुस्लिम, अपने तक नहीं रोका, मरहला वजूद को आगे बढ़ाना है, लिहाजा अगले वारिस को मांगा, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी ज़ुर्रियत में एक उम्मत मुस्लिमा बना दे। तवज्जो, फिर आगे बढ़ी दुआ, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, ऐ पालने वाले हमारी ज़ुर्रियत की उम्मत मुस्लिमा में एक रसूल भेज दे जो उन्हीं में का एक हो। नहीं नहीं नहीं, नतीजा निकले बगैर नहीं, तवज्जो, आगे बढ़ी बात, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, इब्राहिम बोल रहे हैं, अल्लाह नकल कर रहा है, क्या करेगा वो रसूल, यतलू अलैहिम आयाते ही, यतलू अलैहिम आयाते करी, आयतों की तिलावत करे, वो अल्लमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और इन्हें तालीम किताब व हिकमत दे, वो सकी हिम इन्हें पाक करे। यह सूरह बकरा में इब्राहिम की दुआ है, अल्लाह ने सुन ली, सूरह जुमा में अल्लाह ने दुआ का जवाब दिया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, वो वही अल्लाह है कि जिसने उम्मीयों में एक रसूल भेजा जो उन्हीं में का एक, यतलू अलैहिम आयाते ही, जो उसकी तिलावतें करे आयत की, वो यो सकी हिम वो यो अल्लमुहुमुल किताब वल हिक्मा। भाई मेरे मोहतरम सामेईन, ये कौन रसूल है? तवज्जो, आलम इस्लाम की सारी तफसीरें बिल इत्तेफाक कह रही हैं कि इब्राहिम ने अपनी ज़ुर्रियत की उम्मत मुस्लिमा में जो रसूल मांगा वो ये आखिरी रसूल है, सैयदुल अंबिया। ए भाई, अल्लाह से इब्राहिम ने मांगा, मरहला वजूद के जिम्मेदार है ना, तो वजूद का आखिरी मुजाहिद मांगा मोहम्मद, इब्राहिम ने मांगा, अल्लाह ने दिया, यहां तक हर मुसलमान साथ। अब कुरान पढ़ने वालों से एक सवाल, इतना याद रहे, इब्राहिम ने अपनी ज़ुर्रियत में फकत रसूल ही नहीं मांगा है बल्कि एक दुआ और है, सलावात मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मिलजुल के सलावात पढ़े तो आपको नतीजा दे दूं, ज़हमत तमाम करूं। भाई मरहला वजूद के जिम्मेदार है, तो वजूद इस्लाम के आखिरी मरहला खातमुल अंबिया को मांगा, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, दे दे एक रसूल, अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, दे दिया, ये ज़ुर्रियत में रसूल मांगा, अल्लाह ने दिया। अब एक दुआ कुरान में और है कि जब अल्लाह ने कहा وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي نہیں توجہ فرمائی بچوں کے لیے ترجمہ کروں اے محمد وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب
अल्लाह ने इब्राहिम को चंद कलिमात के जरिए आजमाया, वो इम्तिहान में पूरे उतरे, कामयाब हो गए। अल्लाह ने इनाम के तौर पर कहा, इन्नी जाएलो का लिन्ना से इमामा, हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। जैसे ही इमाम और इमामत का ओहदा सुना, फौरन बकाए दीन का ख्याल आया। काला व मिन ज़ुर्रियती, कहा मेरी औलाद में ये इमामत देगा। आवाज आई, काला ला या नालो अहदे ज़ालिमीन, हाँ दूंगा मगर ज़ालिमीन तक नहीं जाएगी इमामत। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और मिलजुल के सलावात पढ़े तो नताइश की गुफ्तगू हो जाए। बहुत खास तवज्जो, एक और सलावात से नवाज दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इब्राहिम ने मरहला वजूद का तवज्जो रसूल मांगा, अल्लाह ने दिया। इब्राहिम ने उसी इधर तवज्जो, उसी जुर्रियत में इमाम मांगा। अब हमें बताएं कुरान पढ़ने वाले के जुर्रियत इब्राहिम का वो कौन सा इमाम है जिसे चरवाहों ने नहीं बल्कि अल्लाह ने बनाया हो। बस जुर्रियत में रसूल मांगे तो अल्लाह बनाए, उसी जुर्रियत में इमाम मांगे तो पब्लिक के जाहिल बनाए। अब भी नहीं पहुंचे आपने, तवज्जो नहीं। आयत से एक इल्मी इशारा, जब इब्राहिम ने रसूल मांगा तो उसके शराइत इब्राहिम ने लगाए, अल्लाह ने नहीं। शायद कोई नई बात हो, जब इब्राहिम ने रसूल मांगा, एक रसूल भेजते यतलू अलैहिम आयाती ही वगैरह वगैरह, इब्राहिम ने मांगा, अल्लाह ने वेरीफाई किया। जब रसूल जुर्रियत में मांगा तो शराइत इब्राहिम ने लगाए, अल्लाह ने नहीं। मगर जब उसी जुर्रियत में इब्राहिम ने इमाम मांगा तो शराइत अल्लाह ने लगाए। पढ़ दे सलावात, फकत हाथ उठ रहे हैं, मैं बहरा नहीं हूं, बुलंद आवाज से सलावात। तमाम है बात, मैंने अर्ज किया कि चंद कलिमात हैं बहुत नतीजे के, बहुत अहम। जब जुर्रियत में रसूल मांगा तो शराइत अल्लाह ने नहीं लगाया, इब्राहिम ने लगाए। जब जुर्रियत में इमाम मांगा तो उसके शराइत ला या नालो अहद जालिमीन अल्लाह ने लगाए। जहां जहां नबी शराइत लगाए वहां तो नबी न बना पाए, अल्लाह बनाए। और जहां अल्लाह शराइत लगाए वहां उम्मत नबी बनाए। क्या सुन रहे हैं आप? बहुत बहुत बेदार नतीजे हैं आप। मैंने अर्ज किया नबूवत है इस्लाम का मरहला है वजूद, इमामत है इस्लाम का मरहला है बका। इंतजाम वजूद किया जाए और इंतजाम बका न किया जाए तो वजूद मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर बका का इंतजाम न किया जाए तो वजूद खत्म हो जाएगा। और कहने वालों को हक है कि गोया आप वजूद ही में ना लाए। हम क्या सुन रहे हैं आप? इंतजाम वजूद करके इंतजाम बका न किया जाए तो वजूद खत्म हो जाएगा। और यह हक है कहने वाले को कि वजूद में लाने का फायदा ही क्या, गोया आप वजूद ही में न लाए। हमारा यही तो लहजा कुरान में अल्लाह का मैदान गदीर में अपने रसूल से है, ऐ इस्लाम के वजूद के आखिरी मुजाहिद, अगर
बका का इंतजाम किए बगैर चले गए। अब इससे ज्यादा वाजे नहीं कर सकता। अगर इस्लाम के बाकी रहने का इंतजाम किए बगैर चले गए तो मेरा दीन मर जाएगा। गोया आप इस्लाम को वजूद ही में न लाए, यही तो टोन है आयत का। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए वो अम्र संगी जो आप पर पहले से नाजिल किया जा चुका। वल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने अली को इमाम न बनाया तो गोया रिसालत का कोई काम ही न किया। एक और मिलजुल के सलावात से नवाज दे। और अगर बका का इंतजाम ना हो तो वजूद के कामिल होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इशारे कर रहा हूं, जाया कर रहा हूं, मगर आप पर भरोसा है इशारों का। अगर वजूद को मुकम्मल भी कर दिया जाए और बाकी रहने का इंतजाम न किया जाए तो वजूद के पूरे होने की सनद नहीं दी जाती, क्योंकि बाकी रहने की जमानत नहीं है। यही सबब है कि दीन खुदा 23 साल में मोहम्मद मुकम्मल कर चुके थे। अबे क्या सुन रहे हैं, हिज्जतुल विदा लो हज भी करके दिखा दिया, अब गदीर का मैदान आया, कुछ बाकी बाकी नहीं था, फकत एक दो आयतें बाकी है कुरान की। दीन कामिल हो चुका था मगर अल्लाह ने सनद नहीं दी, क्योंकि इंतजाम बका न किया जाए तो मुकम्मल होने की सनद बेकार। बस जैसे ही मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, बका का इंतजाम हुआ फौरन आयत आई अलियौम अकमलतु लकुम। थोड़ा सा बेटा, बस अजीजों शुक्रगुजार हूं आपके, आपने बड़ी मोहब्बत से मुझे बर्दाश्त किया, मगर जाहिर है कि कुरान की आयात से मुदल्लल एक पैगाम जो मैंने पहुंचाना चाहा वो भी अपने मंजिल बका के ऊपर है। बहुत बेदार रहिएगा। अब ये जुमला फिर आपको दे रहा हूं भाई, अब पिछला सीरत अंबिया यदि वजूद के जिम्मेदार होगी कि पिछला जाने ना पाए अगला आ जाए, कोई टाइम डिफरेंस ना हो, बिला फसल आ जाए भाई। यही सबब है कि मैदान खदीर में अल्लाह ने कहा कि जाने के बाद मेरे दीन से बड़ा खिलवाड़ होगा। अरे तुम जाने ना पाओ के दिखा दो कि कौन बका का जिम्मेदार है, बेदार है कि नहीं है। बिला फासला, अब ये जुमला संभाल ले आपकी समातों की बुलंदियों का इम्तिहान। अल्लाह ने आखिरी मजमे तक, अल्लाह ने अली की इमामत को खत्म नबूवत के खाने में बिला फसल लाकर इसलिए बिठाया कि बीच में कोई झूठा नबी घुसने न पाए। अब भी अगर आपने न संभाला तो मेरी बदकिस्मती या मिंबर की तासीर। एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी गुफ्तगू के निशोर के जो हमने हेडलाइंस हैं ये मुकम्मल मौजूआत हैं, उलमा और ज़ाकिरीन बेहतर जानते हैं। फिर से सुना जुमला, अल्लाह ने खत्म नबूवत के खाने में, हिदायत का खाना वही है, अफराद हटते रहे बिला फसल अगली फर्द जगा लेते।
कहती रही कभी नबी कभी रसूल कभी इमाम। अब ये हिदायत का खाना वही है, हुज्जत का खाना। खत्म नबूवत खाना छोड़ के जाने वाला है। हम क्या सुन रहे हैं? अल्लाह ने खत्म नबूवत के खाने में अली की इमामत को बिला फसल इसलिए ला के बिठाया कि बादे मोहम्मद कोई झूठा नबी बीच में घुसने ना पाए, अली आगे बढ़ जाए। वजह यह है कि खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील इमामत अली है। नहीं, शायद मेरा मजमा जवान बच्चियां नहीं पहुंची। एक दो मिनट ले रहा हूं तवज्जो। अली खत्म नबूवत की वाहिद और सबसे बड़ी दलील क्यों? इसलिए अली वो इंसान है कि जो तमाम कमालात में सैयदुल अंबिया के मेयार और स्टेटस का बराबर का इंसान, हर कमाल में अली सैयदुल अंबिया के मेयार और स्टेटस का इंसान, हर फजीलत में बराबर से शरीक अली, मोहम्मद की हर फजीलत में बराबर से शरीक, इब्तिदा में शरीक रसूल, इंतहा में शरीक रसूल, मब्दा सफर में शरीक रसूल, मक्ता सफर में शरीक रसूल, असल में शरीक रसूल, नस्ल में शरीक रसूल, खानदान में शरीक रसूल, कबीले में शरीक रसूल, अशीरे में शरीक रसूल, असलाब शाम खात में शरीक रसूल, अरहाम मुतहरात में शरीक रसूल, आलम नूर में शरीक रसूल, अना वाली युमिन नूर इन वाहिद, आलम नूर में शरीक रसूल, आलम जसद में शरीक रसूल, अरे शजरे में शरीक रसूल, अना वाली युमिन शजरत इन वाहिदा, इब्तिदा में शरीक रसूल, इंतहा में शरीक रसूल, सफर में शरीक रसूल, हजर में शरीक रसूल, बिस्तर पे शरीक रसूल, शबे हिजरत बिस्तर पे शरीक रसूल, सफर में शरीक रसूल, हजर में शरीक रसूल, जलवत में शरीक रसूल, खलवत में शरीक रसूल, सुलहो में शरीक रसूल, मैदान हर्ब व ज़र्ब में शरीक रसूल, बज़्म असहाब में शरीक रसूल, खलवत अज़वाज में शरीक रसूल, बज़्म अहले बैत में शरीक रसूल, ज़ेरे के साथ शरीक रसूल, आलम ख़्वाब में शरीक रसूल, आलम बेदारी में शरीक रसूल, मिंबर पे शरीक रसूल। क्या सुन रहे हैं? ये खिताबत के खोखले अल्फाज नहीं हैं। मिंबर पे शरीक रसूल, मेहराब में शरीक रसूल, जमात में शरीक रसूल, क़याम व क़ऊद व रुकू व सुजूद में शरीक रसूल, रुकू में शरीक रसूल, सलाह में शरीक रसूल, ज़कात में शरीक रसूल, जिहाद में शरीक रसूल, सफर में शरीक रसूल, हज़र में शरीक रसूल, जलवत में शरीक रसूल, खलवत में शरीक रसूल, ज़मीन पे शरीक रसूल, अर्श पे शरीक रसूल, सिदरा पे शरीक रसूल, मेराज पे शरीक रसूल, हिजाब नूर पे शरीक रसूल, काबा कौसैन पे साया रसूल। बल्कि हमें मेराज में तो कुछ ऐसा नजर आया कि जिसमें रसूल इधर है और साया उधर से बोल रहा। हर कमालात में मोहम्मद के स्टेटस का इंसान, इब्तिदा इंतहा असल नस्ल रंग खानदान कबीला अशीरा शजीरा, अरे जलवत खलवत सफर हजर ज़मीन आसमान मेराज,
इस्मत में शरीक रसूल, फजीलत में शरीक रसूल, तहारत में शरीक रसूल, नजाबत में शरीक रसूल, अकीदे में शरीक रसूल, अमल में शरीक रसूल, तहारत में शरीक रसूल, मेयार बुलंदी में शरीक रसूल। यानी ये कि मोहम्मद के हर कमाल, हर मेयार, हर अजमत में मोहम्मद के स्टेटस का इंसान है अली। अल्लाह ने खत्म नबूवत के खाने में बिला फासल अली की इमामत को इसलिए बिठाया कि कोई ना अहल जाहिल जब नबूवत का दावा करे तो अली का जैसा इंसान आगे बढ़ के कहे कि जब मोहम्मद के बराबर का इंसान उनके बाद नबी नहीं है तो तेरी क्या औकात है। एक सलावात से नवाजे वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के एक बुलंद आवाज से सलावात, इसलिए कि ज़हमतें आपकी तमाम होने वाली। इसलिए इसलिए खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील इमामत अली है, और जिसकी इमामत खत्म नबूवत की दलील है, अरे वही तो जमानत बका है। नहीं गौर फरमाया आपने, बेदार रहिएगा, बस एक जुमला है, दो तीन जुमले और हफ्ते मसाइब। अगर बका का इंतजाम किया जाए और अगर वजूद का इंतजाम किया जाए और बका का मजबूत इंतजाम न हो सके तो वजूद में लाने वाला बड़ी फिक्रमंदियों में जाता है कि देखे मेरी मीरास और मेहनतों का क्या हो, संभाल ले जुमला। और अगर बका का मुकम्मल चौकस इंतजाम कर दे जाने वाला तो ठाट से बगैर टेंशन के जाता है। यही तो अल्लाह चलते चलाते मोहम्मद से कह रहा है सूरह अलम नशरह में, फैजा फरख्ता फंसद व इला रब्बिका फरगब। जब तबलीग इस्लाम से फारिग हो जाए, जब वजूद कमाल को पहुंच जाए, फंसद तो आए मोहम्मद, नस कर दीजिए, अपॉइंट कर दीजिए, अली को इमाम बना दीजिए, वाला रब का फर्ग, फिर इत्मीनान से अपने रब की तरफ चले आइए। बस अजीजों खत्म है जहमतें। अल्लाह को भरोसा था अली पर, मोहम्मद को भरोसा था अली पर। मोहम्मद ने अली के हवाले अपना दीन और मिशन और उसकी बका अली के हवाले करके आंख बंद करके चले गए। अली जाने औलादे अली जाने, बस तमाम है बात। गो के वक्त उतना मुतजावज नहीं हुआ है कि अगले ज़ाकिरीन या मुंतजमीन परेशान हो, मगर मुझे इसके आगे जाना भी नहीं था क्योंकि मेरी तकरीर मरहले बका तक आ चुकी है। अल्लाह और रसूल को अली और औलाद अली और जहरा पर इतना एतबार था कि कहा कि अभी के हवाले करके चले जाइए, ये सब मुर्तद हो जाए मेरे दीन की बका के लिए, मौला वदीर काफी है, उसकी औलाद काफी है। और अल्लाह अकबर, जो भरोसा अल्लाह और रसूल को था वो अली और औलाद अली ने करके दिखाया, बल्कि उससे ज्यादा करके दिखाया। ये जो आज भी जिक्र हुसैन के तसद्दुक में जिक्र खुदा हो रहा है, ये आज जो हुसैन की शहादत की बरकत से तबलीग इस्लाम कह रही है, और किसे कहते हैं इंतजाम बका। आज भी दीन खुदा अपनी असली शक्ल और रंग में बाकी है,
अगर ये गदीरी दीन करबला से होता हुआ यहां तक न आता तो हसदान अहले बैत न अली का नाम बाकी रखते न हुसैन का नाम बाकी रखते, और अगर ये दो नाम बाकी न रहते तो न मोहम्मद का नाम रहता न अल्लाह का नाम रहता। यही सबब है कि अली और औलाद अली मरहला बकाए इस्लाम के मुजाहिद, सैयदा मरहला बकाए इस्लाम की मुजाहदा, पसलियां टूटे मगर इस्लाम पे हर्फ ना आए। तमाम है दो चार मिनट, घर बर्बाद हो मगर इस्लाम की हुरमत पामाल ना हो। सुब्बत अलैया तो कहा मगर बद्दुआ न की। वो मरहले वजूद के जिम्मेदार थे अंबिया जिन्होंने कभी कभी उम्मतों के लिए बद्दुआ कर दी, वो नूह हो या यूनुस, वो वजूद के जिम्मेदार, ये बका के जिम्मेदार। अगर जिम्मेदार बका ही दुआए फना कर दे तो कैसे रहमतुल लिल आलमीन। यही सबब है कि सर पे अली के जरबत लगी, जबा पे आया फुस्तो व रब्बिल काबा। रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, आ रहा है माह सयाम, अजाए अली का जमाना। वो और है दुनिया के खुद से बनने वाले जिम्मेदार इस्लाम, उम्मतों के जाहिलों के जरिए बना दिए गए वक्ती जिम्मेदार संभाल ना पाए। जब उनके शिकम पे कातिल का खंजर पड़ा तो ज़बान में जुमला क्या था, उक्तलू हाजल कल फइन्नहु कतलनी, इस कुत्ते को मार डालो इसने मुझे मार डाला। ये वो है कि जिनको दुनियादारों ने बनाया, जिन्हें दीन की बका का ख्याल ना था, अपनी कामयाबी का ख्याल ना था। और ये जिम्मेदार बका है कि जरबत जब लगती है सर पे तो बद्दुआ नहीं, बदकलामी नहीं, बल्कि फौस्तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया, इसलिए कि जो जिम्मेदारी मेरे हवाले अल्लाह और रसूल ने की थी वो पूरी कर गया। आजीजो जिगर के 72 टुकड़े मगर हर्फ शिकवा जबां पे नहीं। और अब जैसे सारे अंबिया की नजर थी आखिरी नबी पर, वैसे ही पंजतने पाक में हर एक की नजर मोहम्मद अली और जहरा और हसन की नजर थी हुसैन पर। इस्लाम की बका का ये ऐसा इंतजाम करेगा कि सुबह कयामत तक जो इसकी शहादत से जुड़ जाएगा इस्लाम को खतरा नहीं है, मुसलमान चाहे जितना जलील हो। किसी हौसले से हुसैन मैदान करबला में आए, खत्म कर देता मगर वो महसल मजलिस चंद आंसू सैयदा के रूमाल की जीनत बनाने के लिए, कि जो खुद उम्मुल मसाइब और उम्मुल अइम्मा जिसने बच्चे पैदा ही किए थे कत्ल हो जाने के लिए। यही सबब है कि जब बैअत फासिख का सवाल आया तो हुसैन ने शिद्दत से इनकार किया, इसलिए कि यह हाथ अल्लाह का हाथ है, इस हाथ में अंबिया की इज्जतें हैं, तमाम वजूद के मराहिलों का भी एतबार मैं हूँ और बका के जिम्मेदारों का भी भरोसा मैं हूँ। ये हाथ नहीं आएगा हाथ में चाहे सर कट जाए। जिस कीमत पर भी दीने खुदा बाकी रहे, बस तमाम है अजीजों जहमतें। इसीलिए हुसैन इनकार बैअत फासिख करके मदीने से निकले और नाना के दीन को दर बदर फिरते हुए कि वो पनाह ढूंढ रहा है यजीद का जैसा बदकार और शराबकार और जेनाकार, मसनद रसूल पे बैठ के इस्लाम की बका की जड़ें काट रहा है। हुसैन तड़प गए, कहा ए नाना के दीन, अपने को लावारिस न समझना, इन काना दीनो मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फयासयूफ खजीनी, अगर दीन मोहम्मद
मेरे कत्ल के बगैर अपने पैर पे खड़ा होकर बाकी नहीं रह पा रहा है, तो तलवारों आओ और हुसैन को अपने ऊपर उठा लो। यही वो मंजर था जो कर्बला में हुसैन ने पेश किया। नाना के दीन घबरा नहीं, मैं हर तरह तेरा इंतजाम करके आ रहा हूँ। अगर तेरे बाजू काटे जा रहे हैं तो मैं अब्बास के कुव्वत बाजू लेकर आ रहा हूँ। अगर तेरा सीना छलनी किया जा रहा है तो अकबर के सीने को सिपर बनाने आ रहा हूँ। अगर तेरी आवाज़ घोटी जा रही है तो असबर के गले की नातवानियाँ लेकर आ रहा हूँ। अगर तेरा में शरीयत पामाल हो रहा है तो कासिम की जगह अरे जिस्म लेकर आ रहा हूँ कि ये पामाल हो वो बच जाए। अगर अगर तेरे सजदों को बदनाम किया जा रहा है तो ऐसा सजदा करने आ रहा हूँ कि मलाइका सजदे से सर उठा देंगे। अंबिया ने ऐसा सजदा न किया होगा। अगर तुझे बेरदा किया जा रहा है, तेरी नामूस खतरे में है तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम की रदाएं लेकर आ रहा हूँ। अगर दाना के दिन तुझे कैद किया जा रहा है तो सज्जाद को लेकर आ रहा हूँ। ये वो आज़ाद है, ये वो असीर होगा जो तुझे आज़ाद करवाएगा। बस अजीजो कर्बला तक हुसैन बका का इंतजाम लेकर आए, मगर शहादत हुसैन के बाद अगर हुसैन इस मकसद की बका का इंतजाम न करते तो पैगाम कर्बला कर्बला में सदा बसहरा होकर गुम हो गया होता। उसका इंतजाम हुसैन ने क्या किया? ज़ैनब उम्मे कुलसूम, सज्जाद और सकीना, यह बकाए मकसद का इंतजाम था। अल्लाह ने ज़ैनब की जिम्मेदारी बकाए शहादत के बारे में, सज्जाद खामोश है मगर ज़ैनब बोल रही है, खुतबे दे रही है, अली के लहजे में दीन खुदा पहुंचा रही है। मगर मैं कहूंगा हाय रे सब्र सैयद सज्जाद हुसैन, अरे आपने बेरदामा बहनों को न देखा मगर ये कमाल सब्र सज्जाद है के बाजारों का मजमा, अरे खुले शर्मा बहने मुनादी की निरा हाजे ही सबाया मिन बनाते रसूलिल्लाह, ये रसूल की बेटियां हैं। बस अजादारों खत्म है बात, बका की आखिरी मोहर रिहाई के बाद लगाई। अरे सज्जाद ने दरबारे शाम में खुतबा दिया और ज़ैनब ने अरे कसर शाही में सबसे पहली मजलिस हुसैन की कि जिसकी ये मजलिस यादगार है। बानिये अज़ा ज़ैनब है, वरासत में हमारी माओ बहनों को मिली है, मुआविन भाई है, लिहाजा इन मजालिस की हुरमत का इन्हें बाकी रखने का हर कीमत पर मोमिनों और मोमिनात एहतमाम किया करो। और फकत ज़ैनब की रूह और हुसैन की रूह जब शाद होगी जब मिंबरों से मकसद हुसैन बयान हो, मकसद ज़ैनब बयान हो, और जो उनकी मुसीबतों का बयान न करे उससे बड़ा नमक हराम कोई नहीं है। कि दीन तो वो हम तक पहुंचा गए खालिस मगर हम उनके एहसानात को याद न करें। हाँ आज़ादारों, ये आज़ादारी उसी हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान की सदाए बाज़गश्त है जो कभी नहीं रुक सकती जब तक के वारिस हुसैन वारिस मोहम्मद वारिस अली व ज़हरा वारिस ज़ैनब कुबरा को ज़हूर न हो जाए। और एक दिन ऐसा भी हो कि अब तक वह पर्दा नशीन हमसे सुनता है, मौला आ जाए इसी बज़्म में कि एक मजलिस ऐसी भी हो जाए कि मिंबर का ज़ाकिर वारिस हुसैन हो। सामीन अज़ादारान हुसैन, فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ونبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين يا حسين